अब हम देखेंगे कि हम ये जो परसेंटेज में हमारे पास नंबर्स शो हो रहे हैं कि इनको हम राउंड ऑफ कैसे कर सकें। ये डाटा सेट जो है स्टूडेंट्स डिटेल के रिलेटेड है, जिसमें उनका रिजल्ट है वो शो हो रहा है, और ये यहाँ पे हम रिजल्ट की परसेंटेज को हमने राउंड ऑफ करना है। तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज वाले कॉलम के साथ इंसर्ट करते हैं कॉलम, कॉलम इंसर्ट के इसको नाम देते हैं हम राउंड ऑफ का, राउंड ऑफ। अब राउंड ऑफ करने लगे, राउंड ऑफ के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है इक्वल राउंड, राउंड लिखने के बाद यहां पे राउंड डाउन और राउंड अप आएगा, दोनों का सेम फंक्शन है। हम राउंड अप को देखते हैं, राउंड अप के बाद इस सेल को हमने राउंड करना है, इन्होंने कहा था राउंड अप, उसके बाद नंबर और डिजिट्स हमने लिखने हैं, कितने डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है, कॉमा। अब डिजिट्स लिखने हैं, डिजिट्स मतलब यहाँ पे नंबर डिजिट्स पूछ रहे हैं कि डेसिमल प्लेसेस कितनी होनी चाहिए, डेसिमल के बाद कितने जो है डिजिट्स होने चाहिए, हम लिख देंगे जितने रिक्वायर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मुझे डेसिमल के बाद मुझे दो डिजिट्स चाहिए, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो मेरे पास ये यहाँ पे था 87.666667 था, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 87.676 के बाद ये मेरे पास राउंड ऑफ हो गया टू डेसिमल प्लेसेस तक। इसी तरीके से इसको मैं ड्रैग एंड डाउन करूँगा तो ये मेरे पास सारे जो थे परसेंटेज में नंबर्स वो सारे मेरे पास राउंड ऑफ होके यहाँ पे एज ए रिजल्ट राउंड ऑफ वाले कॉलम में शो हो रहे हैं। ये मेथड है जिसके जरिए से हम जो नंबर्स होते हैं डेसिमल प्लेसेस वाले उनको राउंड ऑफ करते हैं।